पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस स्टैंड के पास एक गद्दा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके कारण आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख भगदड़ सी मच गई, क्योंकि गोदाम के बराबर में ही एक नर्सिंग होम था जिसमें दर्जनों मरीज भर्ती थे, जिन्हें बचाकर बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में आग का खौफ ज्यादा था, उन्होंने अपने अपने मरीजों को संभालते हुए बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड की भी 3-4 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गईं और हाईवे की साइड से अपनी सीडी की मदद से फायर फाइटर्स ने अपना काम संभाल लिया, लेकिन इसके बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास के लोग अपनी छतों पर भीड़ लगाए हुए खड़े थे। एक घंटे से भी ज्यादा समय तक लगी आग ने लाखों रुपए के माल को जलाकर राख कर दिया। आग किस कारण से लगी ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमको जो सूचना मिली थी कि आग लगी है, पीछे लकड़ी पड़ी है घर के एक परिसर में, उसमें आग लगी है। तुरंत हमने दो गाड़ियां मूव करी, एक तो कटघर से और एक हेलट रोड से। दोनों गाड़ियों को तुरंत अब मैं भी स्वयं आया, आकर देखा कि यहाँ पीछे गद्दे भी भरे हुए थे। ये जो मनोज अग्रवाल हैं, इनका ये आवास था, इनकी ये दुकान थी अंबिका अंशिका एंटरप्राइजेज के नाम से, और इसी में आग लगी थी। गद्दे भी रखे हुए थे, इसमें काफ़ी भयंकर आग थी, काफ़ी धुआं था भरा हुआ। हमको आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत भी हुई, लेकिन हमने फिर दो गाड़ियां, हमने देखा कि आग काफ़ी भयंकर है तो हमने दो गाड़ियां और मंगाई। 4 गाड़ियों से हमने आग को लगभग आधे घंटे में कंट्रोल कर लिया। कितनी जबरदस्त आग थी सर? जिस समय आया तब काफ़ी भयंकर आग थी और काफ़ी विषम परिस्थितियाँ लग रही थी, लेकिन हमें सिचुएशन को समझते ही हमने और गाड़ियां मंगा ली और तुरंत हमने आग को कंट्रोल कर। इसमें सिलेंडर भी थे? हाँ, एक फैमिली भी रह रही थी इसमें, एक तो फैमिली पहले ही निकाल लिया, उसको फैमिली को भी सेव कर लिया हमने। दूसरी तरफ भी आग नहीं बढ़ने दी क्योंकि चारों तरफ फैमिलियाँ रह रही हैं। हमने चारों तरफ से फायर ट्रेंकों को लगाया और आग बुझाना आरंभ किया। माल के अलावा किसी तरह की कोई हानि? जी, माल के अलावा किसी और तरह की कोई हानि ना? अभी तो इस तरह की कोई जनहानि नहीं है, केवल नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा, क्या नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है। आग कंट्रोल है, आग बुझा दी। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आएंगी? 4 गाड़ियां लगानी।